अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद वकास है और ताल्लुक मेरा प्रॉपर्टी नामक ग्रुप से है। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। प्रॉपर्टी नामक ग्रुप 2017 से पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े रियल इस्टेट जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको लीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद ये है कि प्रॉपर्टी नामा जिस प्रोजेक्ट पर हाथ डालते हैं या जिस प्रोजेक्ट को लीड करते हैं तो उससे पहले वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, काफ़ी अपने टीम भेजते हैं, अपनी अकाउंट्स की टीम, अपनी फाइनेंशियल टीम सारी जाके चेकआउट करती है कि भाई जिस प्रोजेक्ट में हम हाथ डालने लगे, हम एंड यूज़र को देने लगे, क्या इसमें इनको फ़ायदा होगा या कल को ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में तो बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लोग प्लॉट्स ले लेते हैं, फाइलें ले लेते हैं और दो तीन दिन के अंदर या दो तीन महीनों के अंदर फिर आपको उनका रिस्पांस नहीं मिलता या आपको फाइल वगैरह वो फेक नहीं मिलती है। फिर हम पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े सूबों में काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में, कराची में, इसी तरह लाहौर में, पेशावर में। फिर इस्लामाबाद में आपको रावलपिंडी, इस्लामाबाद इस वक्त सबसे एक हॉट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बना हुआ है। फिर रावलपिंडी के अंदर जो चक्री रोड है उसका कोई मुकाबिल नहीं है इस वक्त। बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट ने चक्री रोड को मुंतखब किया है। उसकी वजह यह है कि एक तो एसएस बहुत बेहतरीन है चक्री रोड की, डायरेक्ट रिंग रोड से, डायरेक्ट मोटरवे से, डायरेक्ट शहर से। दूसरा इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर एक तो है ना, जैसे कि रावलपिंडी के अंदर अगर आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो एक रश लोग का अब एक हजूम बन गया कि वो बाहर सिटी से बाहर निकले। तो चक्री रोड का इंतखाब इसलिए किया गया है, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी आया, अब्दुल्ला सिटी आया, ममता, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं चक्री रोड के ऊपर, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद। कहने का मकसद ये है कि चक्री रोड इस वक्त एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आप चक्री रोड के ऊपर इस वक्त 24 से 25 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ 15 से 4 को लीड करें। शर्त यह है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट को डील करें या ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें कि कल को उसका फ़ायदा हो या हम उसकी पूरी जो है डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट करें। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि एक तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, दूसरा अच्छे डीलर का इंतखाब करें। मैं मौजूद हूँ किंगडम वैली मेन चक्री रोड इस्लामाबाद के साइट पर। ये पीछे आपको मशीनरी नज़र आ रही है, ये किंगडम वैली, आपने हमारे ऑनर इस्माइल साहब की वीडियो देखी होगी, उन्होंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी ऑफिस से, लेकिन उनके हिदायत पर हम इस वक्त साइट पे मौजूद हैं। किंगडम वैली की खासियत यह है, सबसे प्लस पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट यह है कि इनको एनओसी मिला हुआ है पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से, इनको मुकम्मल एनओसी मिला हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इश्तराक है इनका नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ, 20% लैंड इन्होंने उनको जो है वक्फ़ किया। तो देखें नया हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान का नया हाउसिंग प्रोजेक्ट, उनको इश्तराक लेने का मकसद ये है कि ये अप्रूव्ड है तो उन्होंने इस साथ हाथ लगाया ना। तो सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ये है कि यहाँ पर अप्रूव्ड है, आपके कागजात, आपके वेबसाइट, आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे अल्हम्दुलिल्लाह एनओसी इसको मिला हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा और अहम पॉइंट है वो ये कि सबसे सस्ता तरीन इस वक्त चक्री रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, यानी आप 6,500 से अपनी 5 मल्ला बुक करा सकते हैं। तो जहाँ पर आपको सस्ती चीज़ मिले वहाँ पर आपको एनओसी पर नहीं मिलता, जहाँ पर आपको एनओसी मिलेगा वहाँ पर आपको चीज़ बहुत महंगी मिलेगी। लेकिन ये वाहिद किंगडम वैली है कि आपको एनओसी के साथ साथ एक सस्ते तरीन किस्त अकसात में आपको प्लॉट दिया जा रहा है। ये दो पॉइंट वो पॉइंट है कि हर इंसान इससे समझ के इन्वेस्टमेंट करता है कि सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई एनओसी है कि नहीं है, दूसरा सवाल ये होता है कि माहाना किस्त कितनी है। तो देखिए इसकी 6,500 माहाना किस्त है, 6,000 से आप बाकायदा प्लॉट बुक करा सकते हैं। दूसरा अहम जो पॉइंट यहाँ पर है कि इसके एंट्रेंस काफ़ी बेहतरीन है। लोकेशन की मैं अगर बात करूँ तो मेन जो चक्री इंटरचेंज है लाहौर इस्लामाबाद का, उससे आप सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर एग्जैक्ट किंगडम वैली पहुँच सकते हैं। किंगडम वैली की एग्जैक्ट लोकेशन की मैं बात करूं तो चक्री इंटरचेंज से आप जब निकलेंगे, चक्री बाज़ार जो आएगा उससे आप राइट चल लेंगे चूरा रोड पे, चूरा रोड पे आप 2.5 किलोमीटर आगे आएंगे तो एग्जैक्ट आप किंगडम वैली के मेन एंट्रेंस पे पहुंच जाएंगे। एक तो बात यह है कि इस वक्त मार्केट में काफ़ी ऑन की डिमांड की जा रही है, काफ़ी प्रॉफिट का एक लबो लहजा शुरू हो गया है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ बनाएं और प्री लॉन्च प्राइस पर बुकिंग कराएँ। दूसरा अगर कहें तो ये 4 साल का पेमेंट प्लान है, तो आपने कम से कम 1.5 साल 2 साल इसको होल्ड करना है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छे रिटर्न के लिए। ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है कि अगर मार्केट में एक अच्छा ऑन आ गया, एक अच्छा ऑन क्रिएट हो गया, अच्छा प्रॉफिट क्रिएट हो गया तो आपके उस पर भी काफ़ी अच्छा वो हो सकते हैं, रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर घबराने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर एनओसी मिला हुआ है, लिमिटेड फाइल्स हैं। जब एनओसी प्रोजेक्ट के मिलते थे वो फिर ओवर सेलिंग नहीं कर सकते,
ये काफ़ी पहले प्रोजेक्ट आया था, लेकिन हमारे ऑनर इसको काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे थे। जब हमारी मुकम्मल ऑब्जर्वेशन टीम की तरफ से क्लेरिफाई हो गया, उसके बाद हमने इसको हाथ दिया। अब प्रॉपर्टी नामा इसको डील कर रहे हैं। आप तमाम एक एक फाइल कम से कम उठाएं, क्योंकि 5 मरला आपको बहुत कम कीमत में मिल रहा है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप 5 मरला 10 मरला कनाल की प्री लॉन्च प्राइसेस पे आप बुकिंग करा सकते हैं। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, एक मौका है। इन्वेस्टमेंट तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त इस्लामाबाद चक्री इंटरचेंज मेन मोटरवे के ऊपर, लेकिन एक होती है कि एक हॉट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, फिर वहाँ पे ज़रूरी होता है आपका इन्वेस्टमेंट करना। मैं समझता हूँ, हमारे टीम समझते हैं, हमारे ग्रुप समझता है कि ये किंगडम वैली इस वक्त एक सेफ इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के लिए जो बाहर ओवरसीज़ में हलाल कमा रहे, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए एक बहुत सेफ़ और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चों के लिए रिजक कमा रहे हैं, वो आज यहाँ पे प्लॉट लें, NOC अप्रूव्ड है, 3 से 4 साल में अच्छा रिटर्न लें या अपना घर बनाएं। ये मेन मोटरवे है, इसके पीछे 3 किलोमीटर क्या है, 3 किलोमीटर के फासले से आपको चक्री इंटरचेंज मिल रहा है। चक्री इंटरचेंज से आप 15 से 20 मिनट इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं, वहाँ से आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी मिल रहा है, वहाँ से आपको जनाब पिंडी की तरफ भी इंटरेस्ट मिल रही है, वहाँ से आपको इस्लामाबाद की तरफ इंटरेस्ट मिल रही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे प्लॉट लेते हैं, घर बनाते हैं, तो आपको लाहौर की इंटरेस्ट भी मिल सकती है और इस्लामाबाद की। फिर एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन 15 मिनट उस पर रास्ता है मेन मोटरवे पे, और 2-3 मिनट का ये रास्ता है, तो 15 से 20 मिनट में आप डायरेक्ट एयरपोर्ट भी पहुँच सकते हैं। तो ये बड़े बड़े SS इसके बिल्कुल करीब है और NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है। तो कल को फिर आप ये मत कहना कि प्रॉपर्टी नामा ने हमें टाइम से आगाह नहीं किया था। अभी मैं साइट पर मौजूद हूँ, और इससे पहले इस्माइल साहब ने ऑफिस से वीडियो बनाई थी, तो उनकी हिदायत पे मैं साइड पे हूँ। ये मशीनरी आप देख सकते हैं, राइट और लेफ्ट मुकम्मल एक मशीनरी काम कर रही है। अगर मेरे कैमरे में आप आवाज़ सुन सकते हैं, तो हर तरफ इस वक्त मशीनरी काम कर रही है। हेड ऑफिस हमने विज़िट किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ऑपरेशनल है, चूल्हे लग चुके हैं सब कुछ, और एक बहुत वाइड इसकी स्ट्रीट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जो मेन रोड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतरीन है। तो बल्कि मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि बिल्कुल ये साइड दिखाएं। तो आप एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि आपको NOC मिला हुआ है और एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है। मिस ना करें इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को, मिस ना करें, और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। किंगडम वैली इस्लामाबाद में अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाएं बज़रिए प्रॉपर्टी नामा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।